हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू साहिद और आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस सेफ्टी टैंक के बारे में, इसका डिज़ाइन किस तरह किया गया है और इसका ड्रेनेज पाइपलाइन कैसे आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा, यहाँ इसका बगल में शॉर्ट पीस एक बनाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्ट पीस, इसका डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, इसमें ड्रेनेज पाइपलाइन किस तरह लगाया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है और ये किस लिए स्पेशली बनाया जाता है टैंकी के बगल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को जब कंप्लीट पूरा देखिएगा और चैनल पर नया चैनल के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरा इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस टैंकी का, सेफ्टी टैंक का डिज़ाइन कैसे किया गया है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सेफ्टी टैंक है, ये तीन घर वाला एक सेफ्टी टैंक है और ये अभी नया नया बनाया गया है, इसलिए इसमें पानी भी भरा गया है। इस पानी इसलिए भरा गया ताकि इसको मजबूती जो और अच्छी तरह से हो सके और लास्ट में वहाँ पे एक शॉर्ट पीस बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो आप टैंकी जो आप देख रहे हैं, ये टैंकी है, इसमें अभी जो बीच वाला जो घर बनाया गया है वो बड़ा घर है और लास्ट और शुरू में देख सकते हैं आप जो छोटे छोटे बनाए गए हैं। तो ऐसा किस लिए बनाया गया है इसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो टैंकी का हमारा जो देख सकते हैं ये इसका लंबाई है, इसका जो हमारा इनलेट यहाँ से होगा और आउटलेट वहाँ से पाइपलाइन होगा। और जो टैंकी का देख सकते हैं जो बीच वाला जो घर है वो सबसे बड़ा है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इनलेट लाइन है, ये सबसे पहला हमारा इनलेट लाइन है। इस वाले टैंकी में पहले वेस्ट मटेरियल गिरेगा, उसके बाद आने के बाद ये यहाँ पे आएगा बीच वाला घर में। जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो बीच वाला घर में रुक जाते हैं आके, और यहाँ पे आने के बाद बीच वाला घर में यहाँ से इनलेट होने के बाद सबसे पहला, उसके बाद बीच वाला जो घर होते हैं उसमें वेस्ट मटेरियल जो होते हैं सारे यहीं पर रह जाते हैं और वो काला हो जाते हैं। यहाँ पे जो लाइन जो दीवार आप देख सकते हैं, ये दो दीवार इसमें दिया गया है, उसका बीच में एक छेद दिया गया है। जो पहला वाला हमारा जो इनलेट लाइन है उसमें बीच में दिया जाता है और जो हमारा लास्ट में जो दिया गया है आउटलेट लाइन में उसमें नीचे दिया जाता है। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इनलेट लाइन है, इसमें हमारा पाइपलाइन आएगा, इसमें पाइपलाइन जो हमारा इनलेट होगा ये 6 इंच का हमारा पाइपलाइन होगा वो इसमें गिरेगा। इसमें गिरने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ हमारा वेस्ट मटेरियल गिरेगा, उसके बाद में ये बीच वाला में जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, लेटरिंग जो होते हैं वो काला हो जाते हैं और कीड़ा भी इसमें कीड़ा भी खाते हैं। काला होने के बाद यहाँ जो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट वाला जो टंकी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो पानी होता है वो वेस्ट मटेरियल जो पानी होता है वो बच के यहाँ पे फिल्टर होके वो आ जाता है। यहाँ पे जो छेद होता है ये हमारा 10 इंच के बीच में जो दीवार आप देख सकते हैं, 5 इंच का दीवार उसमें दिया गया है, उसमें नीचे तरफ वो छेद होते हैं। और यहाँ पे जो उसका आउटलेट लाइन का हम लोग इसमें जगह दे दिए हैं, इसका आउटलेट लाइन जाने के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दिए हैं। और ये जो हमारा आउटलेट लाइन जो होते हैं जो इसमें लास्ट जो टैंकी के छेद होते हैं उसमें आउटलेट लाइन जो होते हैं उसका नीचे देना ज़रूरी पड़ता है। नीचे इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जो आउटलेट लाइन होते हैं वो नीचे देने से अच्छा होता है, 2-3 इंच नीचे देने के बाद वो पानी अच्छी तरह से आउटलेट होता है। और यहाँ पर शॉर्ट पीस बनाया गया है, शॉर्ट पीस यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्ट पीस स्पेशली बहुत सी जगहों में बनाया जाता है, इसीलिए शॉर्ट पीस बनाया जाता है ताकि जो टैंकी का जो आउटलेट पानी होता है वो कहीं नहीं बहे और जो गंद होता है वो गंद भी नहीं आए। तो गंद नहीं आने के लिए कारण इसका बनाया जाता है और जो पानी होता है वो पानी भी सेफ होता है, ज़मीन के अंदर वो चल जाता है पानी। तो यहाँ पर वो पानी फिल्टर होने के बाद यहाँ पर आएगा और जो हमारा जो ईंट का दीवार आप देख सकते हैं अंदर में दिया गया है, उसमें छेद भी दिया गया है, जो पानी आता है शॉर्ट पीस से टैंकी में यहाँ पे शॉर्ट पीस पे आएगा, ये उसका नाम शॉर्ट पीस बोलते हैं हम लोग, आप किस नाम से इसको बोलते हैं आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 इंच की इसमें दीवार जुड़ा दिया गया है और जो वहाँ टैंकी सेफ्टी टैंकी वहाँ पे है उस पर यहाँ सीधे आएगा और यहाँ पे ये शॉर्ट पीस में हमारा आउटलेट पाइपलाइन यहाँ पर गिर जाएगा। इसमें आने के बाद इसको अभी ये पूरा अभी कम्प्लीट बना नहीं है, इसमें बनने के बाद इसमें पूरा ऊपर ढलाई हो जाएगा और ये जो पानी आएगा वो ये ज़मीन के अंदर ये पानी को खींचते रहेगा। शॉर्ट पीस इसलिए स्पेशली बनाया जाता है ताकि जो पानी होता है जो टैंकी सेफ्टी टैंक का जो पानी होता है वो पानी कहीं ना जाए, ज़मीन के अंदर में ही रह जाए और उसमें ना गंद आता है ना कुछ दिक्कत होता है, स्पेशल इसलिए इसको बनाया जाता है। और मैं आगे आपको दिखाता हूँ, पूरा आपको दिखाता हूँ इसका जो गोलाई जो बनाया गया है, इसका गोलाई 9 फीट बनाया गया है और बीच में इसका जो जगह बनाया गया है वो 2 फीट के अंदर में ही बनाया गया है। 2.5 फीट के अंदर में आप भी अगर बनवाना चाहते हैं तो आप भी बनवा सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पाइपलाइन यहाँ से सीधे आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये इनलेट लाइन है, इनलेट लाइन होने के बाद यहाँ पे वेस्ट मटेरियल गिरेगा, उसके बाद में यहाँ पे बीच में एक छेद दिया गया है, यहाँ 5 इंच दीवार है, यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो बीच वाले टैंक में जमा हो जाएंगे, उसके बाद काला पड़ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर
नीचे से एक छेद दिया जाता है, उसके बाद में ये पानी यहाँ पे फिल्टर होकर आता है, उसके बाद में यहाँ शॉर्ट पीस बनाया गया यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे हमें अपने कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नया चैनल कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, और वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे हमें अपने कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नया चैनल कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, और वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।